दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा चैप्टर नेम एंड राइटर नेम, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के चैप्टर नेम, साथ ही उनके राइटर कौन है, साथ ही उनकी टाइप क्या है, यानी वो किस प्रकार की एस्से है कि स्पीच है कि स्टोरी है, इसके लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर महात्मा गांधी है। ये तो जान गए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो फ्रेंड्स, इसको याद रखने का ट्रिक है कि देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हिंदी मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जाहिर सी बात है, यह किसकी देन है? तो यह महात्मा गांधी की देन है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हो गए? तो महात्मा गांधी हो गए। इसकी टाइप क्या है? तो एसे है। देखिए फ्रेंड्स, एसे का हिंदी मतलब होता है यानी निबंध है। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक एसे लिखे यानी निबंध लिखे, तो अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की टाइप क्या हो गए? तो एसे हो गए। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है कि भारत इज माई होम। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको याद कैसे रखेंगे? फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हुसैन शब्द है ना, इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो रहा था, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो भारत में ही रह गए। उन्हीं में से एक था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहने लगे कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है, अर्थात भारत इज माई होम के राइटर कौन हो गए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। इनकी टाइप क्या है? तो स्पीच है। फ्रेंड्स, जो स्पीच है, एसे है, स्टोरी, इनकी टाइप को बनाने के लिए हमने एक अलग से ट्रिक्स बनाए, आपको हम अंत में बता देंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है कि ए पिंच ऑफ सनअप। देखिए, इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर का नाम है मनोहर मालगांवकर। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखने का ट्रिक है। देखिए, एक पिंच ऑफ सनअप का मतलब क्या होता है? एक चुटकी खैनी। देखिए, आपको कोई भी गांव में नहीं कह देता है कि जाओ, वो गांव में रहता है मनोहर लाल, उनसे एक चुटकी खैनी लेकर आना। तो ये पिंच ऑफ सनअप के राइटर कौन हो गए? मनोहर मालगांवकर। इसकी टाइप क्या है? तो एक प्रकार की स्टोरी है, यानी कहानी है। अगला चैप्टर है कि आई हैव ए ड्रीम। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए फ्रेंड्स, आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है कि मेरा एक सपना है। क्या सपना है? कि मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर। देखिए, मार से हो जाएंगे मार्टिन, लूट से हो जाएंगे लूटकर, और देखिए राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। बनना है जरूर, जरूर से हो जाएंगे जूनियर, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर होगा। आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। इनकी टाइप क्या है? तो एक प्रकार की स्पीच है। देखिए, स्पीच का हिंदी मतलब क्या होता है? यानी भाषण है। अगला चैप्टर है आइडस दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर है बर्टन रसेल। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, जो हेल्प है ना, हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। जब आप किसी को मदद करते हैं तो क्या करते हैं? यानी बांटने का एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं, तो बांटने से क्या हो जाएंगे? बर्टन रसेल, अर्थात आइडस दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर कौन हो गए? बर्टन रसेल। इसकी टाइप क्या है? तो एक प्रकार की एसे है। अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर का नाम है शिगा नोया। देखिए फ्रेंड्स, द आर्टिस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है? यानी एक कलाकार। जब आप बचपन में ड्राइंग करना किसी ने आपको सिखाया होगा, तो सबसे पहले किसकी तस्वीर बनाने के सिखाया होगा? तो सुगा यानी पैरोट का तस्वीर बनाने को सिखाया होगा, तो अर्थात द आर्टिस्ट के राइटर कौन हो गए? तो शिगा नोया। सुगा से क्या निकल रहा है? शिगा। सुगा से क्या? शिगा। तो शिगा नोया हो गया, यानी द आर्टिस्ट के राइटर शिगा नोया। इसकी टाइप स्टोरी है। अगला चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर है जर्माइन ग्रीन। इसको याद रखने का ट्रिक है कि इनका मतलब होता है कि एक बच्चा जन्म लिया, अर्थात जनवरी में यानी जर्मनी में एक बच्चा जन्म लिया जिसका कलर ग्रीन था। कितनी आश्चर्य वाली बात है, तो जर्मनी से हो जाएंगे जर्माइन ग्रीन। देखिए, ग्रीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हरा, यानी ग्रीन से हो जाएंगे ग्रीन।
अर्थात चाइल्ड इज बोर्न के राइटर कौन हो गए, जर्माइन ग्रीन। इसकी टाइप क्या है, एस्से। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के ट्रिक काफी पसंद आ रहा होगा। अगला चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इनके राइटर है ड्रोथी एलसियर। देखिए फ्रेंड्स प्रेस का हिंदी मतलब क्या होता है, मीडिया, अर्थात जो मीडिया वाले होते हैं ना उनको कभी भी डरना नहीं चाहिए बल्कि श्रेयस की तरह लड़ना चाहिए। देखिए डरना से हो जाएंगे ड्रोथी, श्रेयस से हो जाएंगे श्रेयस, अर्थात हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन हो गए, ड्रोथी एलसियर। इसकी टाइप क्या है, तो एक प्रकार की एस्से है। नेक्स्ट चैप्टर है द अर्थ, देखिए द अर्थ के राइटर कौन है, तो एच ई बेट्स है। देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। आपको कोई भी पृथ्वी का क्या कहेगा, बैठने के लिए, तो बैठने से क्या हो जाएंगे, बेट्स, यानी बेट्स न से बेट्स। तो द अर्थ के राइटर कौन हो गए, एच ई बेट्स। इनकी टाइप क्या है, तो इनकी टाइप क्या है, तो ये भी एक प्रकार की स्टोरी है, यानी यह कहानी है। अब चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर साई, इसका हिंदी मतलब होता है यानी यात्रा, यानी भारतीय संकल्प की यात्रा। इनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर है पर्ल एस बैंक। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जो ट्रेवल है ना इसका मतलब क्या होता है, यानी यात्रा करना। यदि आप अभी कहीं यात्रा करना चाहोगे तो आप अपने माता पिता से पूछोगे तो क्या कहेगा कि अभी ठंडी का समय चल रहा है, जल्दी बैक आना, यानी जल्दी वापस आना। तो बैक से क्या हो जाएंगे, बैक। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर साई के राइटर कौन हो गए, पर्लेस बैग। इसकी टाइप क्या है, एस्से है। अब चलिए अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है ए मैरिज प्रोपोजल, इसके राइटर का नाम है एंटोन चेखोव। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि मुझे शादी में इनवाइट किया गया कि आंटी के द्वारा बनाए गए चोखा को चीखने के लिए, यानी चोखा का जो स्वाद कैसा होता है चीखने के लिए। देखिए आंटी से हो जाएंगे एंटोन और चोखा से हो जाएंगे चेखोव, अर्थात ए मैरिज प्रोपोजल के राइटर कौन हो गए, एंटोन चेखोव। इसकी टाइप क्या है, तो कॉमेडी है। फ्रेंड्स ये तो जान गए कि चैप्टर नेम एंड राइटर नेम, इसका तो ट्रिक देख लिए। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर ऐसे है, कौन सा चैप्टर स्पीच है, इसको याद कैसे रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी ट्रिक हमने बनाए हैं। तो हम लोग का सामने फर्स्ट चैप्टर का नाम है, यानी फर्स्ट ट्रिक है ऐसे पहचानने का ट्रिक, यानी ऐसे कौन कौन सा ट्रिक्स है। सिर्फ इसको पहचानने के लिए हम लोग का ट्रिक है कि भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। देखिए भारतीय से क्या हो जाएंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात ये क्या है, ऐसे भारतीय विचार। विचार का मतलब क्या होता है, आइडिया। तो आइडिया से हो जाएंगे आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी ये भी क्या है, तेजस्य है। भारतीय विचार सुनकर बच्चे, देखिए बच्चे को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाइल्ड, इंग्लिश में चाइल्ड बोलते हैं। तो चाइल्ड से हो जाएंगे ए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी क्या है, तो एक प्रकार की ऐसे। भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद, आजाद को क्या बोलते हैं, फ्री। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, आठवां नंबर, ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार की ऐसे है। अर्थात ऐसे को पहचानने के लिए आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स जो स्पीच है इसको पहचानने का ट्रिक है, सिर्फ दो भारत और उसका सपना। क्या ट्रिक है, सिर्फ दो भारत और उसका सपना। देखिए फ्रेंड्स भारत से हो जाएंगे भारत इज माई होम, अर्थात जो भारत इज माई होम क्या है, तो एक प्रकार की स्पीच है। उसके बाद सिर्फ दो भारत और उसका सपना, देखिए सपना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं। तो ड्रीम से हो जाएंगे आई हैव ए ड्रीम, अर्थात जो आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो स्पीच है। स्पीच को पहचानने का ट्रिक है सिर्फ दो भारत और उसका सपना। अब चलिए कौन कौन सा चैप्टर कहानी है उसको भी पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं। तो हम लोग का ट्रिक है कि मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कलाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द आर्टिस्ट बोलते हैं, अर्थात द आर्टिस्ट क्या है, तो ये भी एक प्रकार की स्टोरी है। उसके बाद मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ। देखिए चुटकी का मतलब क्या होगा, यानी ए पिंच ऑफ सनअप, यहाँ पे जो चैप्टर है ना तीसरा, ये भी क्या है, तो एक प्रकार की स्टोरी है। उसके बाद मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ। देखिए जमीन को मतलब क्या होता है, यानी अर्थ। तो अर्थ से क्या हो जाएंगे, चैप्टर का नाम द अर्थ, यानी जो द अर्थ क्या है, तो वह भी एक प्रकार की स्टोरी है। देखिए फ्रेंड्स स्टोरी को पहचानने का ट्रिक है कि मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ, तो इसके लिए ट्रिक यही है। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करते हैं कि आप लोग चैप्टर नेम एंड राइटर नेम, साथ ही जो चैप्टर की टाइप है उसका ट्रिक अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।